अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन कब से स्टार्ट की, किसने इसका इनिशिएटिव लिया, कि क्यों ज़रूरत पड़ी और किस किस ने इसमें काम किया, किन किन साइंटिस्ट ने, हम उसके बारे में सारा पढ़ेंगे। हिस्ट्री के बारे में यानी तारीख क्या है क्लासिफिकेशन की, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, एरिस्टोटल। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट आपका कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया? एरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांटी एंड एनिमिलिया, यानी उसके मुताबिक दुनिया में जितने भी जानदार हैं उसने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, यानी प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, यानी और कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, यानी दो किंगडम्स उसने क्रिएट कर दिए एरिस्टोटल ने। लेकिन उसने हिस्ट्री में बहुत अहम काम किया, क्योंकि उसने इनिशिएटिव लिया था क्लासिफिकेशन का, तो उसकी वजह से बाकी लोगों ने उसको दुरुस्त करने के लिए अपना काम स्टार्ट किया। एटलीस्ट उसने रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम की, जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए ना, फिर ही आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर ही आप हाइपोथेसिस देंगे, फिर ही आप डिडक्शन देंगे और फिर ही आप उस पर एक्सपेरिमेंट जो है वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया था वो एरिस्टोटल था, आपका ग्रीक फिलोसोफर था वो एक, और उसने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को इंटू प्लांटी एंड एनिमिलिया। उसके बाद इन 17th सेंचुरी, ठीक है, 700 सेंचुरी में किसने काम किया? अबू उस्मान उमर अल जाहिस, ठीक है। इसने क्या डिस्क्राइब किया था? 350 एनिमल स्पीशीज, ठीक है, उसने 350 एनिमल स्पीशीज जो है उसको डिस्क्राइब किया था। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि अबू उस्मान उमर अल जाहिस ने कितनी स्पीशीज को डिस्कवर किया है एनिमल्स की? 350 स्पीशीज को डिस्कवर किया है। और उसने सबसे ज्यादा किसके बारे में लिखा? उसने सबसे ज्यादा किसके बारे में लिखा? रोट अलॉट अबाउट द एंट्स, सबसे ज्यादा चींटियों के बारे में लिखा उसने, ठीक है। 350 एनिमल्स की स्पीशी उसने डिस्क्राइब की थी और सबसे ज्यादा चींटियों यानी एंट्स के बारे में उसने लिखा, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं इन 1172 इब्ने रश्द, ठीक है। इब्ने रश्द ने क्या किया था? ट्रांसलेट की थी एरिस्टोटल की बुक दी एनिमिया ऑन द सोल, ठीक है, इन अरेबिक। ये उसका क्या है, मतलब है, यानी डी एनिमिया एरिस्टोटल की बुक को इब्ने रश्द ने किसमें ट्रांसलेट किया था? अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन की उनकी हिस्ट्रीज हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको आपकी बुक पे एक टेबल नजर आएगा, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और उनके काम लिखे हुए हैं। ये सारे काम उन्होंने कब किए थे? इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, यानी ये सारे के सारे काम एंड ऑफ 15th सेंचुरी में किए थे इन सारे साइंटिस्ट ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है आपका बेटा, इसमें सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको किसी भी साइंटिस्ट का नाम लिख के पूछा जा सकता है राइट इट्स वर्क, या फिर आपसे इनमें से एमसीक्यूज निकाल के पूछे जा सकते हैं, यानी आपसे पूछा जा सकता है हु डिस्क्राइब 350 एनिमल स्पीशीज या हु रोट अबाउट द एंट्स, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और किसने एनिमल्स और प्लांट्स में सबसे पहले जो है वो क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म, वो एरिस्टोटल था। या तो आपको काम पूछ के साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, या तो आपको साइंटिस्ट का नाम पूछ के उनका काम पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए कौन सा काम किसने किया, कब किया, ठीक है। साथ उसकी डेट्स भी लिखी हैं, जहां जहां लिखी है वहां वहां आपने याद करनी है। यानी ये 700 सेंचुरी है, ये उसकी डेट लिखी हुई है 1172, ठीक है, और ये एंड ऑफ 15th सेंचुरी। अब सबसे पहले इसमें जो आते हैं दैट इज एंड्रिया कैसलपिनो, ठीक है। एंड्रिया कैसलपिनो ने क्या कब काम किया, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है, ये भी आपने याद करनी है, ठीक है। ये देखें 1519 to 1603, ठीक है, ये उसकी क्या है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। उसने काम क्या किया था? डिवाइड किया था प्लांट इंटू 15th ग्रुप, ठीक है, यानी 15 ग्रुप्स में प्लांट्स को डिवाइड किया एंड कॉल्ड देम जेनरा, और उसने उसको जेनरा बोला, ठीक है, यानी जेनरा उसने जो है उनको बोला, उसने प्लांट्स के 15 ग्रुप्स जो डिवाइड किए थे उसका नाम उन्होंने जेनरा रखा। उसके बाद जॉन रे की भी यहाँ पे डेट लिखी हुई है 1627 to 1705,
ठीक है, क्या दिया था उसने, पब्लिश्ड इंपोर्टेंट वर्क ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन, यानी प्लांट क्लासिफिकेशन पे इंपोर्टेंट वर्क जो है उसने सारे का सारा पब्लिश किया था, ठीक है, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, एनिमल्स नहीं, सिर्फ प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑगस्टस रेविनस, ठीक है, ऑगस्टस रेविनस जो है 1652 टू 1723 AD, ठीक है, उसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस्ड किया था टैक्सोन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, ठीक है, टैक्सोन यानी टैक्सा क्या था, यानी आपने वो तरतीब देने के लिए जो रखा हुआ था ना, पीछे हमने टैक्सा की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ठीक है, तो यानी टैक्सोन को किसमें उसने क्लासिफाई किया था, ऑर्डर में। उसके बाद जो आपका आता है टॉर्नीफोर्ट, क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपका टॉर्नीफोर्ट। टॉर्नीफोर्ट ने क्या काम किया 1656 टू 1708 से, उसने क्या काम किया, इंट्रोड्यूस्ड द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी, ठीक है, क्लास और स्पीशी को उसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने क्या काम किया, कैरोलस लीनियस ने 1707 टू 1778 ग्रुप स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखा उसने, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, यानी बाहरी जाहरी तौर पे जो उसको चीजें फिजिकल एक जैसी नजर आ रही थी उनकी बेसिस पे उसने क्या किया, स्पीशीज को जो है उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप कर दिया, जिनमें सेम सेम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स थी उनको एक साथ उसने ग्रुप कर दिया। उसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरोलस लीनियस का वर्क बेटे, ये आपके साइड बॉक्स में है, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने किसी भी बॉक्स जो है किसी भी चैप्टर का साइड बॉक्स वो नहीं छोड़ना है, उसमें से हमेशा शॉर्ट या लॉन्ग शॉर्ट या MCQ आ जाते हैं। तो आपके जो है कैरोलस लीनियस ने डिवाइड किया नेचर इंटू मिनरल्स वेजिटेबल एंड एनिमल्स, ठीक है, आपको MCQ आ सकते हैं कि कैरोलस लीनियस ने नेचर को किन तीन चीजों में डिवाइड किया था, मिनरल्स में, वेजिटेबल्स में और एनिमल्स में। उसके बाद उसने क्या किया, आल्सो यूज्ड फाइव रैंक्स, यानी फाइव किंगडम्स नहीं है, उसने फाइव रैंक्स निकाले थे क्लासिफाई करने के, और क्लासिफाई करने के उसने जो फाइव रैंक्स निकाले हैं उसमें सबसे पहले है क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी और वैरायटी, ठीक है, ये फाइव किंगडम्स नहीं है, ये फाइव रैंक्स हैं जिसको उसने क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस किया था, उसमें सबसे पहले क्लास थी, ऑर्डर थी, जीनस, स्पीशी एंड एंड पे एक और चीज थी वैरायटी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी नेक्स्ट टॉपिक है आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा बेटा, अब ये जो हमारी क्लासिफिकेशन हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, इसमें ये सारी जरूरी नहीं है कि इनमें सारी की सारी जो चीजें हैं वो ठीक होंगी, हिस्ट्री में वो चीजें होती हैं जिन्होंने काम किया होता है, ठीक है, वो बाद में हो सकता है कि उनके वर्क को कोई चैलेंज कर दे और उसकी जगह पे कोई नया काम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दे, ठीक है। तो ये भी आपको पता है ना, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि लॉ और प्रिंसिपल ही ऐसी चीजें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो जब तक बाकी अभी लॉ नहीं बना तो इनमें चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है, ये सारे के सारे उनके वर्क लिखे हैं, तो उन्हीं में एक आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है, ये भी आपकी हिस्ट्री है, लेकिन इसमें क्या है कि इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके बाद आपका लास्ट क्या है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी मिस्टेक, इसमें भी मिस्टेक्स हैं, इसीलिए ये भी हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, ये किसने काम किया था, प्लांट्स और एनिमल्स वाला, एरिस्टोटल ने, ठीक है, ये उसका उसी से रिलेटेड वर्क हो सकता है इसका, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स इसने इंट्रोड्यूस करवाए। अब उसमें जो आपकी इस टॉपिक में आपकी जो मेजर टू डेफिनेशंस आती हैं वो है आपकी ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन और हेटरोट्रॉफ की डेफिनेशन। ऑटो मीन खुद बखुद जो काम होता है, यानी ऑटो कार्स आजकल आपने ऑटो बाइक्स हर किस्म की ऑटो चीजें आ गई हैं, ठीक है, तो ऑटो मतलब जो खुद बखुद, ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और कौन है जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, वो है प्लांट्स, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, प्लांटी, किंगडम प्लांटी आप लिख सकते हैं पूरा, या प्लांट्स लिख सकते हैं।
उसके बाद हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद ना बना सके वो क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। और हेटरोट्रॉफ्स, और ये एक एक तो ये है ना कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो खाना हासिल कैसे करते हैं, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, यानी वो अपना खाना हासिल करने के लिए किन पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे, यानी इन पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ इन पे ही डिपेंड नहीं करते, दूसरे हेटरोट्रॉफ पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या है, प्लांट्स भी खाते हैं, यानी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी आ जाती हैं, बहुत सारी जो है वो जैसे कि हर्ब्स खाते हैं, उसमें धनिया है, पुदीना है, ठीक है, सारी वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। इसके अलावा हम सिर्फ यही तो नहीं ना खाते, यानी सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स तो नहीं ना खाते, हम इसके अलावा और क्या खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, ठीक है, गोश्त में आप किस किस का गोश्त खा लेते हैं, आप काऊ का खाते हैं, शीप का खाते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप कैमल का खाते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो आपके वो जो हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ नहीं है, आप दूसरे हेटरोट्रॉफ्स को भी खाते हैं, ठीक है, यानी आप दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो कार्निवोरस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफ्स जो हैं वो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हेटरोट्रॉफ्स, कौन से हैं, एनिमेलिया यानी किंगडम एनिमेलिया, जो सिर्फ और सिर्फ खुद अपना सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स को नहीं खाते और दूसरे हेटरोट्रॉफ्स को भी खाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है, और हिस्ट्री मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं है कि जो चीजें उसमें लिख दी गई हैं वो सारी की सारी दुरुस्त हैं, उनमें मिस्टेक्स भी हैं, तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, क्यों हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को आप जो है वो नहीं रखा अपने पास, या क्यों उसको आगे नहीं लेके गए, या क्यों उस पर आगे वर्किंग नहीं की, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स थी। मिस्टेक्स क्या है, उसके ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसकी क्या गलतियां हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या मिस्टेक थी, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्जी आर इंक्लूड इन किंगडम प्लांटी, ठीक है, आपको बताया बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांट्स में कैसे आ सकते हैं, ठीक है। फंजाई जो है वो अब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होता है, वो उसको भी प्लांट्स में नहीं आना चाहिए। एल्जी जो है वो आपको पता है बेशक दिखने में प्लांट जैसा होता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन उनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, ना तो वो एंथर्स होते हैं, ना उनमें ओवरी होती है, ना उनमें सीड बनता है, तो इनको भी प्लांट्स में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, इन सबको प्लांट्स में रख दिया, तो ये उसकी मिस्टेक थी। सेकेंड मिस्टेक उसकी क्या थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूगलिना हैव बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक करेक्टरिस्टिक्स, आपका जो यूगलिना था उसमें प्लांट्स जैसी करेक्टरिस्टिक्स भी थी, उनमें एनिमल जैसी भी करेक्टरिस्टिक्स थी। प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स क्या थी उसमें, कि उसमें क्लोरोफिल था, ठीक है, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता था। लेकिन एनिमल लाइक की करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कि लैक सेल वॉल, हर प्लांट के बाहर सेल वॉल होती है ना, तो इनके बाहर सेल वॉल नहीं थी, और हेटरोट्रॉफ थे, यानी दूसरों से भी खाना हासिल कर सकते थे, यानी यूगलिना जो है वो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों किस्म के थे, लेकिन उनको उन्होंने कहाँ रखा, प्लांट्स में रख दिया, तो ये भी उसकी मिस्टेक थी। और उसने इग्नोर कर दिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को, ना तो उसने ये देखा कि किसमें ट्रू न्यूक्लियस है, ना उसने ये देखा कि किसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो ये भी उसकी मिस्टेक थी। ये सारी के सारे ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इनमें। आपका फर्स्ट जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, हर साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, हर साइंटिस्ट का काम आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा उनके इराज पता होने चाहिए, ये जो लिखे हुए डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ क्या है उनकी, किस सेंचुरी में उन्होंने काम किया, ठीक है, ये सारी आपको डिटेलिंग पता होनी चाहिए, उनके वर्क क्या थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू में ये आते हैं, ठीक है। ये आपका साइड बॉक्स था कैरोलस लिनियस का, ये भी आपने याद करना है, इसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेचर को कैरोलस लिनियस ने कितनी चीजों में डिवाइड किया था, तीन में, मिनरल्स थी, वेजिटेबल्स थी, एनिमल्स थी, और उसके बाद एनिमल्स थे, उसके बाद कितने रैंक्स उसने निकाले थे, फाइव रैंक्स थे,
क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वैरायटी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल्स को दो में डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल में। उसमें आपकी दो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। दोनों में डिफरेंस भी बोल सकते हैं, राइट अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ विद एग्जांपल लिखेंगे आप। उसके बाद आपको ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें सारे मैंने बता दिए हैं कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी को प्लांट्स में रख दिया, यूगलिना को प्लांट्स में रख दिया, हालांकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और इग्नोर किसको किया, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल को। यहाँ आपका हो गया लेक्चर वाइंड अप। Thank you and Allah Hafiz.